केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे विवाद में लालू यादव को घसीटा है, तो आरजेडी दिल्ली से प्रायोजित बताकर बीजेपी की ओर इशारा करती दिखी। कल तक राजपूत बनाम ब्राह्मण का झगड़ा आरजेडी के अंदर दिख रहा था, अब वो गठबंधन तक पहुंच गया है। आरजेडी विधायक चंदन आनंद के बाद जेडीयू एमएलसी ने भी मनोज झा को खरी खोटी सुनाई। हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये लालू जी की पार्टी सदा से सामाजिक विषमता में विश्वास रखता है, और समाज में कैसे एक दूसरे से झगड़ा लगे ये बराबर से उनका योजना रहता, तो किसी भी समाज को आहत करने का किसी का अधिकार नहीं। ठाकुर को ले लिया राजपूत के रूप में, जबकि वहां ठाकुर का मतलब जो है वो सामंती मिजाज है, वो मिजाज जो है जितने भी द्विज समाज के लोग हैं सबका है, और एक दलित समाज का आदमी जो भंगी समाज का, दलितों में भी जो दलित है ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो अपने पीड़ा का बयान कर रहा है। और उसी संदर्भ में मैंने मनोज झा ने बात कही थी, और ये कहते हुए कि हमारे अंदर भी जो ठाकुर हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ठीक बोला है, एकदम उसका हम समर्थन करते हैं। तो आप ठाकुर मारने चले हैं, ठाकुर मारो, क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं, चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं, झा क्यों लगा रखे हैं? तो ये सब जो बातें हैं ये पढ़ाइए, पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है, ये सब ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। चेतन से चेतन आनंद किस गर्त में लोग थे, एक हवा के मोहताज थे, सांस लेने के मोहताज थे, बताने की जरूरत है? लेकिन अगर किसी को कोई शब्दों के मर्म को समझे बगैर कोई अपने अभिव्यक्ति देता हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवाद कभी दबंगई प्रवृत्ति को कतई नहीं स्वीकार करती है। ठाकुर टाइटल के लीजिएगा तो हर वर्ग में ठाकुर का टाइटल है, राइट टाइटल हर वर्गों में है। मनोज झा जी ने जो कहा है वो उन प्रवृत्तियों की ओर इशारा है। मनोज झा कल पार्टी में ही घिरे थे और अब गठबंधन के साथी ने भी उन्हें घेर लिया। जेडीयू एमएलसी ने तो यहां तक कह दिया कि ठाकुर गर्दन कटा सकता है तो काट भी सकता है। माननीय मनोज झा जी का वक्तव्य समाज और इस राष्ट्र के लिए बड़ा ही दुखदायी है। उनको जानना चाहिए कि ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज है, हमारे महाराणा प्रताप के वंशज है, बाबू वीरकुंवर सिंह के वंशज है, और ये सभी मूल के लिए जिए हैं, मूल के लिए मरे हैं। और इस प्रकार का वक्तव्य जो उन्होंने दिया है, आज हमारे ब्राह्मण समाज के लोग उनके ऊपर थूक फेंक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। ठाकुर इस मूल के लिए जीता है, इस मूल के लिए मरता है, अपनी कुर्बानी हमेशा देते रहा, इसलिए उनको इस प्रकार का वक्तव्य देना समाज और इस मूल के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मनोज झा जी, आपका जो है ये राजनीतिक कैरियर समाप्त होने वाला है, ये अंत है,